Hello friends, welcome to Learning Efforts. In the previous video, we have discussed the social life of the later Vedic period. In this video, we will discuss the religious life of the later Vedic period. Okay, let's start our class, religious life. इससे पहले हम उनकी जो social life है वो कर चुके हैं. तो religious life को अब discuss कर लेते हैं. Good. जैसा कि हमने पढ़ा था, जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें उसमें जो इंद्र था, अग्नि, और अग्नि के अलावा वरुण, इनका जो एग्जिस्टेंस था वो धीरे धीरे इनके जो कम होता गया, इम्पोर्टेंस थी वो कम होती गई. और इसके बाद में जो दूसरे थे, यानी कि प्रजापति द क्रिएटर जिसको बोलते हैं, क्रिएटर और विष्णु यानी कि प्रोटेक्टर और रुद्र, इनका होने लग गया था, जिसको डिस्ट्रॉयर के रूप में मानते थे. इनका जो प्रोमिनेंट है वो धीरे धीरे होना शुरू हो गया था लेटर वैदिक पीरियड में. इसके अलावा जो दूसरे और भी जैसे भगवान थे, जैसे वासुदेव, इनको भी जो वर्शिप है वो स्टार्ट हो गई थी. और इनको कृष्ण वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है, या इनकार्नेशन ऑफ विष्णु. कुछ और भी थे जैसे सेमी डिवाइनिटीज के नाम से जाना जाता है. इनमें से कुछ अप्सरा था, नागाज और विद्याधरा, इस तरह से थे उनके नाम, विद्याधरा, इस तरह से उनके नाम थे. यानी कि जो विष्णु इंद्र, अग्नि और वरुणा, इनका जो इम्पोर्टेंस वो कम हो गया था. विष्णु का, रुद्र, प्रजापति, क्रिएटर, प्रजापति को क्रिएटर मानते थे, विष्णु को प्रोटेक्टर मानते थे, और जो रुद्र है उसको डिस्ट्रॉयर मानते थे. उनका जो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, वासुदेवा का जो वर्शिप है वो भी स्टार्ट हो गया था. और इसमें जो वर्शिप ऑफ दुर्गा एंड गणेशा, या दुर्गा माता और जो गणेश भगवान जी हैं उनकी पूजा भी इस टाइम पर स्टार्ट हो गई थी. इसके अलावा फेथ और बिलीफ के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि वो उनका जो किस में बिलीव करते थे और फेथ किस में था. चलिए देखते हैं क्या है इनका जो थॉट थे अबाउट द प्रॉब्लम्स, क्रिएचर, लाइफ, डेथ, अराइव्ड, ये एक में ही हो गए थे. और वो किस में हो गए थे? ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा को मानते थे वो, अनचेंजिंग प्रिंसिपल. और इसमें जैसे जो क्रिएटर है वो और जो कंट्रोलर है वो कौन था? वोल वर्ल्ड का वो ब्रह्मा ही था. ब्रह्मा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे जाने लग गई थी. और इस टाइम पर दो डॉक्ट्रिन फेमस थी. कौन सी थी वो? एक तो डॉक्ट्रिन थी ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, और दूसरी थी वो कौन सी थी? वो थी कर्म की. जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में वो लोग मानते थे कि सोल है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, मरती नहीं है, वो ट्रांसमाइग्रेंट होती है, एक जगह से दूसरे जगह पर चली जाती है, दूसरे जानवर में चली गई या पुनर्जन्म हो जाता है. इनमें वो धीरे धीरे भी विश्वास है उनका वो स्टार्ट हो गया था. और दूसरा, वो कर्म को मानते थे, यानी कि ऑल एक्शंस जितने भी करते हैं हम, कम अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं, उनका जो प्रॉपर फ्रूट है वो मिलता है हमें, इसको भी मानते थे. और थोड़ा है इनसे, ये जो मेंस के लिए इसेंशियल था कि मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी कि टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ एंड मर्ज विद द यूनिवर्सल सोल, कि उनका जो साइकिल है डेथ और बर्थ का वो कैसे ख़त्म हो जाए, और एक जो यूनिवर्सल सोल है उसमें कैसे वो मर्ज होता है, इसके रिगार्डिंग वो बताते थे. और उनका जो कंसेप्ट था एस्केटिक आइडियल लाइफ का, वो भी धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गया था. और इनका जो दो चीज़ें उनमें थी, एस्केटिक जो आइडल थे लाइफ के, एस्केटिक आइडल ऑफ लाइफ, उसमें क्या क्या थे? एक तो था तपस, यानी कि मेडिटेशन. वो मेडिटेशन करते थे अपने माइंड को शांत रखने के लिए, और उसको ज़्यादा मानते थे. एक था ब्रह्मचर्य, कैलिबसी, इसको करते थे कि ब्रह्मचर्य का
पालन करने से उनकी जो ताकत है वो ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से वो जो एस्केटिक लाइफ उसको ज़्यादा करते थे। चलिए अब जो नेचर ऑफ वर्शिप है उसको देख लेते हैं कि कैसा था। नेचर ऑफ वर्शिप, पीपल है वो भगवान की पूजा करते थे और उनके जो सेम मटेरियल रीजन होते थे जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में थे। प्रेयर है वो सीज हो गई थी और जो प्लेकेटिंग ऑफ गॉड है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। उनका जो मोड है वो चेंज हो गया था और जो सेक्रीफाइस है वो धीरे धीरे उनकी इम्पोर्टेंस है वो दूर चली जा गई, कम होती गई। रिचुअल्स हैं उनकी और इस टाइम पर आके जो रिचुअल्स थे यानी कि उनकी जो सेक्रीफाइस थे वो कम हो गए, जो रिचुअल्स थे वो ज़्यादा आ गए। उनका जो ज़्यादा हो गया यानी कि सेक्रीफाइस है वो डिक्रीज होने लग गए और उनका जो रिचुअल्स थी वो क्या हो गई, इंक्रीज होने लग गई। ठीक है, और सक्सेस ऑफ द सेक्रीफाइस वो किस पर था, मैजिकल पावर्स था यानी कि मैजिकल पावर्स आ जाती थी। भगवान को मानते थे उसमें, उनमें कुछ मैजिकल पावर्स होती थी और इनमें मेनली वो क्या क्या मानते थे, जैसे सेक्रीफाइस गिफ्ट, सेक्रीफिशियल गिफ्ट्स थे, गोल्ड था, क्लोथ, हॉर्सेज, ये सेक्रीफाइस में वो देते थे। और उस टाइम पर जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो क्या था, साइन ऑफ आइडोलेट्री यानी कि ये क्या था, जो आइडल वर्शिप है वो इस टाइम पर ज़्यादा प्रचलन में आ गया था। और उनका जो प्रोफेशन हेरिडिटरी हो गया था, प्रोफेशन जैसे प्रिस्टहुड था वो हेरिडिटरी हो गया कि जो प्रिस्ट होता था उसका बेटा दोबारा फिर वो प्रिस्ट की जगह लेगा, इस तरह से वो धीरे धीरे चलने हो गए थे। और सेक्रीफाइस था उसका हो गया था धीरे धीरे। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे ये थोड़ा इसको गलत बता दिया है, डिक्रीज नहीं हुआ था, ये भी इंक्रीज ही हुआ था, ये इंक्रीज हुआ था। सेक्रीफाइस और जो रिचुअल्स थे वो इंक्रीज हो गए थे इस टाइम पर बहुत ज़्यादा, जो सेक्रीफाइस थे वो बढ़ चढ़ कर करने लग गए थे। और इनके इनके अलावा थोड़ी सी जानकारी और मैं दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे इसी टाइम पर इनके कंटेम्प्रेरी थे वो क्या थे, राइज ऑफ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। जो बुद्धिज़्म का और जो जैनिज़्म का वो भी जब भी इसी काल में हुआ था और इसी में जो इलेबोरेशन है वो सेक्रीफाइस का वो इसी जो रिजल्ट के उपरांत हुआ था। उपनिषद था वो कब हुआ था, वो 600 BCE में उनका जो कंपाइल है वो हुआ था, जो कि हिंदू फिलोसॉफी है उसका एसेंस है। और इनके अलावा जो यूजलेस रिचुअल्स थी और जो इंसिस्टेंट ऑफ ट्रू नॉलेज थी, जैसे जनाना और उनका जो सही तरह से उनका जो बिलीव था वो पीस और सालवेशन में था, इस तरह की चीज़ें उसमें उपनिषद में बताई गई थी। तो उपनिषद है उसको कंपाइल कब किया गया था, 600 BCE बिफोर कॉमन एरा, इस टाइम पर किया गया था। और लेटर वैदिक पीरियड को एक दूसरे तरीके से भी देखा जाता है कि ये जो टेरिटोरियल किंगडम था उसका शुरुआत थी, टेरिटोरियल किंगडम की शुरुआत, टेरिटोरियल किंगडम इसकी शुरुआत माना जाता है इसी पीरियड को। और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्या था इनका, प्रिस्टली डोमिनेशन और कल्ट्स और जो प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल हैं इनके रिगार्डिंग उनका माना गया है, जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था उसकी भी शुरुआत इसी टाइम पर हुई थी। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे।